नमस्ते YouTube फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ट्रेंडिंग वीनेक ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग मैंने बताई है, जो 32 चेस्ट के अकॉर्डिंग है। तो मेजरमेंट दोस्तों स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से शॉर्ट स्क्रीन रख सकते हैं। आपको जिस भी साइज का बनाना है आप मेजरमेंट चेंज करके बना सकते हैं, बाकी प्रोसेस वही रहेगा। देखिए, ऊपर से 2.5 इंच और नीचे से चौड़ाई 3 इंच और लंबाई 10 इंच लिए मैंने, और स्केल से सीधे लाइन ड्रॉ करने के बाद कुछ ऐसा शेप दे दिया है। डॉट का निशान 4 इंच पर लगा लिया है, उसके बाद नेक की कटिंग कर ली है। उसके बाद कपड़े को सीधा रखते हुए अस्तर को ऊपर से रख के सिलाई लगा लेनी है नीचे से, क्योंकि हमको कपड़ा पलटना है। उसके बाद कपड़े को बराबर रखते हुए गले में भी सिलाई लगा लेनी है। पूरे गले में सिलाई लगाने के बाद जो बीच का कपड़ा बच रहा है उसे कट कर लेना है। उसके बाद छोटे छोटे कट लगा लेने हैं ताकि कपड़ा इजीली पलट जाए नीचे से भी। उसके बाद हाथ से ऐसे पलट लेना है कपड़े को। उसके बाद बराबर रखते हुए नीचे से एक दाब सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद गले में भी सिलाई लगा लेनी है। कपड़े को खींचना नहीं है, ये नेक बिल्कुल इजीली तरीके से बन जाता है, बहुत ही आसान है और दिखने में काफी सुंदर दिखता है। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाती रहूंगी। और ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने दोनों डॉट लगाने के बाद बीच से कट लगा लिया है पोटली बटन लगाने के लिए, और यहाँ से मैंने पोटली बटन लगा ली। ऐसे एक पर एक रखते हुए पोटली बटन को अटैच कर लेना है। उसके बाद पलट के यहाँ से एक और सिलाई लगा लेंगे। तो कैसी लगी ये डिजाइन एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों धन्यवाद मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। थैंक यू।